डिस्क्लेमर। हम वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पूर्ण समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरबों के ये ज़हनी गुलाम एक ऐसी किताब को सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं जिसमें बोंगियां ही बोंगियां भरी पड़ी हैं। पर इस किताब में लिखी हर एक बात को सही साबित करने के लिए ये अरबी गुलाम किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इन गुलामों को दूसरे दीन धर्म मजहब की किताबों में लिखी बातें बकवास और झूठी लगती हैं। ये लोग गैर मुस्लिमों को अंधविश्वासी कहते फिरते हैं, दूसरे के दीन धर्म में लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन जब इन अरबों के ज़हनी गुलामों से लॉजिकली तौर पर इस्लामिक कल्ट को सही साबित करने को कहो तो इन लोगों से एक भी सबूत नहीं दिया जाता। आज तक के इतिहास में अभी तक कोई इंसान ऐसा सामने निकल कर नहीं आया जिसने ये दावा किया हो कि उसने कुरान को पूरा पढ़ा है, उसे अच्छी तरह समझा है और इसके बाद दीन को कबूल किया है। इस्लामिक कल्ट सुनी सुनाई झूठी और मनगढ़ंत बातों पर टिका है जिसको तलवार के दम पर फैलाया गया। अभी भी ये अरबी गुलाम इसी तरह इस कल्ट को फैलाने की फिराक में लगे रहते हैं। इस कल्ट ने जिस तरह लोगों को जाम्बी बना डाला है, ये लोग दूसरों को भी जाम्बी बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने भारत को इस कल्ट से बचाना चाहते हैं तो प्लीज एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा देखें, उसे समझें और जागरूक बनें। लाइक, शेयर और कमेंट करें जिससे दूसरे लोग भी जागरूक हो सकें। हाँ भाई नाजी साहब, ये बताइएगा कि ये पहाड़, धरती, आसमान, ये क्या लिविंग थिंग है? इनमें भी ऐसा डर वाली फीलिंग होती है? ऑफर रिजेक्ट एक्सेप्ट करने वाले डिसीजन लेते हैं ये लोग? क्या माजरा है? पहाड़ जो है, देखिए धरती या आसमान, पहाड़, देखिए पहाड़ की मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा आपके सामने साहिल भाई। हाँ बिल्कुल करिए सर जी। देखिए पहाड़ भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई बंजर अच्छा, होता है करने वाले और बात नहीं करने वाले पहाड़ होते हैं। नहीं नहीं बात करने वाला नहीं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों होता होगा। अच्छा पहाड़ में भी दो दो क्वालिटी, दो टाइप के है, दो उसमें ये है कैटेगरीज, एक लिविंग पहाड़ और एक नॉन लिविंग पहाड़। वाह कितनी पढ़ाई लिखाई की आपने, वाह क्लास 7 तक। फिर ठीक है यार, कोई बात नहीं, जाने दे यार क्लास। अरे लेकिन क्लास 7 के बच्चे लोग को भी मालूम रहता है एडम साहब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। यार वो क्लास 7 तक पढ़ा है यार बेचारा, सिर्फ सिर्फ क्लास 7 मतलब तक पढ़ा है। समझ रहे, पहाड़ में जो प्लांट होता है ना, प्लांटेशन क्रॉप उसको बोलते हैं। हां प्लांट क्या करता है? प्लांटेशन क्रॉप नहीं होता जो पहाड़ से निकलता है, चाय पत्ती सब। हां हां चाय पत्ती निकलती है तो वो क्या लिविंग पहाड़ है वो जी। अच्छा, और जहाँ प्लांटेशन नहीं होता है वो नॉन लिविंग पहाड़ है। इसको साइंटिस्ट बना, सूखा सूखा। अरे बाप रे बाप, ये देखो क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं दोस्तों। ये है मोमिनों की अकल और इस अकल का जिम्मेदार इनका मजहब, इनका कुरान है। प्लांटेशन पहाड़ नहीं, ये अभी सारी स्कूल की जो जितनी सिलेबस में जितनी बुकें है ना, सब चेंज करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस चेंज करना पड़ेगा और उसमें एक क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स लगाना पड़ेगा कि लिविंग माउंटेन्स एंड नॉन लिविंग माउंटेन्स। अरे रब्बा क्या बात करेंगे आप बताओ, इनसे क्या हम आर्ग्यूमेंट रखेंगे क्या? जी जी जी, मैं एक बात अपनी रख लेता हूँ। देखिए पेड़ जो होता है वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग, आप बताओ मुझे पहले। लिविंग है, लिविंग है, आगे चले। पहाड़ भी इसी तरह लिविंग होता है, इसमें पेड़ हो, ठीक है। पेड़ लिविंग थिंग है, लेकिन पेड़ जो है एक जगह से दूसरे जगह भाग नहीं सकता, वैसे पहाड़ भी नहीं भाग सकता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप घर जाइए, साहिल साहब असद भाई को ले लें यार। क्या यार इससे बात करनी है। हाँ भाई असद साहब जी, मैं पहले आया हूँ जी। सर मोमिन है? हाँ जी मैं पहले आया हूँ आपसे एक बात पे, मतलब हो रही थी बात है, तो वो हदीस के बारे में जिसमें मतलब 99 कतल किए थे फिर 100 पूरे कर दिए थे, तो मैं उसका पूछा था फिर। हाँ किसको पूछा था आपने? मैंने मतलब दो लोगों से पूछा था, एक तो मतलब यहाँ पाकिस्तान में बहुत मशहूर है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, एक उनसे पूछा था। आपने डायरेक्टली पूछा था इंजीनियर मिर्जा से? हाँ जी डायरेक्टली वीडियो, मतलब वो भी आते थे गोट स्ट्रीम पे। ओके तो क्या जवाब दिया उसने? मैंने उनको कहा था तो उन्होंने कहा था कि मतलब अल्लाह ताला की ये कुदरत है,
और वैसे भी अल्लाह तआला ने मतलब अगर वो वैसे ही जिनके कत्ल हुए हैं मतलब शहीद ही हुए हैं तो वो अगर मुसलमान होंगे या अगर या मतलब उस टाइम तक जो भी अंबिया आए होंगे उनकी पैरवी कर रहे होंगे तो वो जन्नत में जाएंगे, तो इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा। हाँ, तो लेकिन तो इनाम उसे वैसे नहीं मिल सकता था, उसे कत्ल करके ही मिलना था इनाम, राइट? नहीं, कत्ल करके नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, कत्ल तो कर दिया उसका, वो तो जन्नत में जाए बंदा जन्नत में जाए, डजंट मैटर, राइट? अगर वो काफिर होगा जन्नत में जाए, जन्नत में जाएगा, अगर वो मुसलमान होगा तो जन्नत में जाएगा। लेकिन कातिल को क्या सजा मिली है? इंसाफ तो अल्लाह कातिल के साथ नहीं कर रहा ना, कातिल ने तौबा कर ली ना, और वैसे भी मतलब फिर अल्लाह इंसाफ नहीं ना करता। असल मुद्दा क्या था हमारा, अल्लाह इंसाफ नहीं करता। नहीं, वो तो मतलब बनी इसराइल का तो मतलब ज्यादा चांस है, वो हजरत ईसा अलैहि सलाम की मतलब शरीयत का होगा, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम की शरीयत को कौन सा भी हम जानते हैं उस तरीके से। तो बनी इसराइल में, बनी इसराइल की शरीयत में सारे के सारे अच्छे मुसलमान ही थे। बनी इसराइल में, बनी इसराइल तो तब तक तो मतलब जब अब्दुल सलम ने किया था तब तो वहां पे मुसलमान नहीं थे, तब तो वहां पे ज्यादातर ईसाई थे, शरीयत थी बल्कि, और दोरे फटे मुंह तेरे थे डंगर दे बच्चे। बनी इसराइल ईसाई कहां से हो गए डंगर? दोबारा चलते हैं, बनी इसराइल का वो जो शख्स था जिसने कत्ल किया था वो अभी मुसलमान नहीं ना था। वो मुसलमान मतलब किस तरह का, आप सलम करके आप सलम को उम्मीद की या किस्सा का यार साहिल यार मारो। अरे वो बनी इसराइल का भी था तो वो मुसलमान ही था ना, लेकिन हां जी शरीयत दूसरी शरीयत में था, मूसा की शरीयत में था ना। हाँ था मुसलमान लेकिन मूसा की शरीयत पे था। हाँ अच्छा, हाँ जी। अब वो मूसा की शरीयत को नहीं मान रहा था, तभी तो उसने 99 कत्ल किए थे। जरूरी तो नहीं है क्या, मतलब शरीयत को मान के कोई कत्ल कैसे करेगा? पाकिस्तान में इतने लोग कत्ल करते हैं तो आप ये कहेंगे यार इसका मतलब है कि मुसलमान तो है लेकिन शरीयत के उस उसूल को नहीं मान रहे हैं कि आपको कत्ल नहीं करना। हाँ, हाँ, हाँ। शुक्र है, शुक्र है। अच्छा उसने जो 100 बंदे कत्ल किए उसमें एक आलिम भी था। एक आलिम तो दरवेश था। हाँ चलो इस तरह दरवेश आलम को कहेंगे और किसको, बाबा जी के ठुल्ले को कहेंगे। चलो ओके, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शरीयत को मान रहे होंगे, जो शरीयत को नहीं मान रहे होंगे। हाँ जी ठीक है। अब उसमें से एक बंदा ऐसा था जो तेरी तरह का था, जो हो सकता है 2 हफ्ते बाद जाके माफी मांग लेता और शरीयत पे पूरा अमल करना शुरू कर देता, लेकिन उसने इसको कत्ल कर दिया और ये बंदा अब जन्नत में जाएगा। अगर ना कत्ल करता तो जन्नत में चला जाता 2 हफ्ते बाद। अब मुझे बता इस बंदे को क्या सजा मिलेगी इतने लोगों को कत्ल करने पे, इस दुनिया से इसको नबूद करने पे और ढेर सारे बंदों को जन्नत में जाने से रोकने के लिए। भाई तब उसने मतलब दिल से तौबा का इरादा कर लिया था तो फिर अल्लाह इंसाफ नहीं ना करता, तौबा दे देता। तो जब उसने दिल से किया था तो फिर आप अच्छा बात सुन तेरी बहन है अभी का मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। जी सैल साहब, जी सैल साहब, तेरी बहन है घर में, अगर मैं जाके तेरी बहन करूं और फिर उसका कत्ल कर दूं तो मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? आपको तो इस्लामी कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। लेकिन मैं अगर माफी मांग लूं तो? माफी किससे? अल्लाह मियां से। अल्लाह मियां से आप कैसे मांगो कि आप तो उनको मानते ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ मैं, जिस तरह ये बंदा जो है जब कत्ल कर रहा था तब तो अल्लाह मियां को नहीं ना मान रहा था, वो यही तो ढूंढ रहा था कौन सा खुदा मुझे माफी दे देगा, तभी तो उस शहर की तरफ जा रहा था। अब अगर मैं तेरी बहन का कत्ल करूं उसके बाद अल्लाह मियां से माफी मांग लूं सदके दिल से और उसको मान लूं तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा, तो तेरी बहन का क्या हुआ, उसका कत्ल भी हो गया? मतलब जरूरी तो नहीं है माफ करेगा। भाई जरूरी नहीं, भाई तुझे क्या पता वो माफ करेगा कि उसने कर दिया ना, तू कह तो रहा है कि सदके दिल से माफी मांगोगे तो माफी हो जाएगी। अब अगर अल्लाह मुझे माफ कर देता है तू क्या करेगा? तेरी बहन भी हुआ कत्ल भी हुआ यार, आपको हजरत मूसा की तो शरीयत की नहीं पता, फिर यार तू छोड़ सारी शरीयत को यार, तू सिंपल बात करो, तू सिंपल बात का जवाब दे। तेरी बहन है, बल्कि मैं अपने साथ 5 दोस्त भी लेके आया था, हम 5 दोस्तों ने मिलके गया
उसके बाद कत्ल कर दिया तेरी बहन को, और फिर हम पांचों जो है वो चले गए और जाके हमने अल्लाह मियां के घर में जाके खाना काबा में हजरे असमद को चुम्मी कर करके कर करके कर करके माफी मांगी। अल्लाह मियां ने हमें माफ कर दिया। अब बता तू क्या करेगा ऐसे मौके पे, ऐसे अल्लाह को क्या कहेगा तू? तो आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने माफ कर दिया? भाई अल्लाह ताला ने कहा है ना कि काले पत्थर को चुम्मी करोगे सदके दिल से तो माफ हो जाओगे। मोहम्मद की बातें नहीं मानता, अल्लाह की बातें नहीं मानता? मैं हजरे असवद पे जाके चुम्मी कर करके कर करके कर करके उसको मैं 2 इंच घिसा दूंगा, अल्लाह माफ कर देगा। अब बता तू क्या करेगा? अल्लाह शिर्क के अलावा सब कुछ माफ कर सकता है। अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि शिर्क के अलावा हर गुनाह में माफ कर सकता हूँ, तो शिर्क तो नहीं किया ना मैंने। वो तो अल्लाह ताला के हुक्म में ना, लोगों के हुक्म में तो नहीं ना। नहीं तो अल्लाह कह रहा है कि मैं अपना हुक्म माफ नहीं करता, बाकी सारे माफ कर देता हूँ ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं अपने हुक्म माफ कर देता हूँ शिर्क के अलावा। ये कहानी है, कहानी से कहानी। कुरान में अल्लाह कहता है मैं अपना हक माफ नहीं करता जो कि शिर्क है, बाकी सारे माफ कर देता हूँ। ये बंदे को माफ नहीं किया जिसने 100 बंदों को कत्ल किया, उसी तरीके से मैंने तेरी बहन का कत्ल किया। अब बता मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तेरा अल्लाह तो सजा देता नहीं भाई। आपको मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का तो पता नहीं। मुझे पता है मूसा की शरीयत का, तुम्हें नहीं पता मूसा की शरीयत का? तो वो तो मतलब वो हो गई है, तब्दील हो गई है। तब्दील हो गई है? अच्छा, तो कुरान में आते हैं, कुरान में आते हैं, कुरान में आते हैं। कुरान में मूसा की शरीयत लिखी हुई है। इसी वजह से हमने कहा बनी इसराइल को तौरात में कि जिस किसी ने किसी इंसान को कत्ल किया बगैर कत्ल के कसास के या बगैर जमीन में फसाद फैलाने के जुर्म के, तो गोया इसने पूरे दुनिया के तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। अब मुझे बताओ, उसने तो 100 दफा तमाम दुनिया के इंसानों को कत्ल कर दिया था, अल्लाह ने माफ कैसे कर दिया? शरीयत मूसा के अंदर तो ये लिखा हुआ है, तेरा अल्लाह कुरान में कह रहा है मैंने मूसा की शरीयत में ये लिखा था, तो मुझे बता अल्लाह ने उसे माफ कैसे कर दिया? उस बंदे ने तो पूरी इंसानियत को 100 दफा कत्ल किया। अब बोल, मैं तेरी बहन के साथ भी ऐसे ही करूंगा, अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्योंकि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे माफ कर देता है भाई। रहमतुल आलमीन का पता है, रहमत वाला। हाँ, रहम करने वाला है ना, बात खत्म, माफ कर देगा मुझे। तेरे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को कितनी दफा कहा अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम खोल, में आता है तभी तो आता नहीं है मेरे सामने वो। तो आप उनके मतलब चले जाए वहां पे, हाँ तो सके अपने अपने चैनल पे स्ट्रीम बना मैं चला जाता हूँ, उसको को अपने चैनल पे स्ट्रीम बनाए मैं जाता हूँ। शायद छूट के मैं नहीं जानता, मैं किसी को क्यों प्रमोशन दूं? उसे क्या अपने चैनल पे स्ट्रीम बनाया ना, जहां पे जब वो अपने स्कूल में बच्चों को बुला के उनको जलील करता है और फिर उनकी एडिटिंग करके डालता है, वो जिस चैनल पे बैठता है उस चैनल पे अपनी स्ट्रीम बनाए में आता है। जा, क्यों नहीं करता वो? डटा क्यों है इस किस्म की बातें करता हुआ? 2 टके के चैनलों पर जाके बैठ जाता है कभी कभी, उसको अपने चैनल पे खोल में आता है, खुद उसके चैनल पे। उसे पूछ कि उसने जो अपना अटक में बनाया हुआ स्कूल, उस स्कूल से लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं चलाता? बच्चों के सवाल पहले रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करके एडिटिंग करता है, एडिटिंग करके अपने चैनल पे डालता है, क्यों? हालांकि पाकिस्तान में बैठ के बच्चों के सवाल लेता है, पाकिस्तान में बैठ के, फिर भी उसको लाइव पे नहीं चला सकता, इतना डरपोक है। क्यों? क्योंकि कोई बंदा ऐसा सवाल ना पूछ ले कि जिसमें उसका जवाब ना आता हो, या वो बोंगी ना मार दे, फिर उसकी एडिटिंग करके फिर जाके अपने YouTube चैनल पे डालता है, क्यों? डरता है ना तेरा इंजीनियर मिर्जा, डर फोका है ना, डर है उसे हम लोगों से, वरना बनाए ना अपने चैनल पे ओपन स्ट्रीम्स, हम बनाते हैं ना ओपन, जो आता है आ जाए, वो क्यों नहीं बनाता? क्यों डर लगता है उस बच्चे को? आप उसकी अकेडमी में चले जाए, मैं अकेडमी में चला जाऊं, उसको मेरी अकेडमी में आते हुए डर लगता है? यूट्यूब पे मैंने अकेडमी बनाई हुई है ना, आ जाए ना। असद नाउ सरकैज़म असाइड, जोक असाइड, ये तुम्हारा अल्लाह है जिसको जो के इंसाफ पसंद नहीं है, क्योंकि कुरान में मूसा की शरीयत है ना वो इंतहाई
इसी चीज के ऊपर है कि वो माफ नहीं होना चाहिए था वो बंदा, लेकिन अल्लाह ने ना सिर्फ ये कि माफ किया बल्कि मकरो फरेब से माफ किया। भाई इसका तो फिर मैं दोबारा फिर पूछूंगा, दोबारा पूछना उसे, कहना कि हजरत आदम सीकर अलैहिस्सलाम ने जो है ना आपकी बहुत बजाई है आज लाइव स्ट्रीम में, उन्हें ये भी बताना और फिर जवाब देना। लेकिन मेरा मतलब मैंने एडम आपसे एक सवाल करना था कि आपने तो मतलब एक लाइव स्ट्रीम में कहा था कि मतलब जो क्रिश्चियन है वो तो मतलब चोर है। क्रिश्चियन चोर ओ क्रिश्चियन क्रिश्चियन जो हिंदू का क्रिश्चियन। अच्छा कहा था ना मैंने, मानते हो आप? नहीं मैंने तो पढ़ा ही नहीं है उसके इतना भाई। मुसलमानों ने उस पर इल्जाम लगाया था कि तूने हमारी लाल चड्डी चुरा ली है, कुफारे मक्का की बात ही नहीं हो रही। जो बदर में सहाबी लड़े थे, जो बदर के सहाबी थे, बदर के जो स्वाबी हैं, उनको अल्लाह ने जन्नत का कह दिया है ना, बदर के स्वाबियों को अल्लाह ने जन्नत नसीब कर दी हुई है ना। भाई मैंने भी मतलब रिसर्च नहीं की हुई यार, बदर के स्वाबियों को जन्नत की बिशारत है कि नहीं है? हाँ जो इस बात में लड़े है ना, इस बात, हाँ जी। बदर 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 गजवाए बदर पहली जंग, बदर के स्वाबियों ने मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया कि तू ने लाल चड्डी चुरा ली हमारी। ये देखिये कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 161, ये ले। ये अच्छा नहीं है कि तुम कि ये किसी नबी की शान नहीं है कि खयानत करे, जो कि खयानत करे अपनी खयानत में किसी चीज का हाजिर हो क्यामत के फिर उसको जा। अल्लाह ने जवाब क्या दिया, इट इज नॉट बिफिटिंग कि आप अपने नबी के ऊपर अनफेथफुलनेस इन रिगार्ड्स टू वार बूटी, वार बूटी में से चोरी करने की अनफेथफुलनेस, नबी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाओ। तो अल्लाह ने क्यों नहीं बताया कि लाल चड्डी किसके पास थी? ये देखे क्या कहते हैं, When some red velvet cloth went missing on the day of Badr, जब बदर के मौके पे एक लाल रंग की वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया, some people began to say perhaps the prophet took it, तो मुसलमानों ने कहा नबी ने चुरा ही लिया। तो फिर अल्लाह ने वर्स रिवील की, नहीं 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 मोहम्मद को चूटा नहीं को चोर ना को, मोहम्मद को चोर ना को। ये कौन सा सादिक और अमीन है जिसको उसके अपने फॉलोअर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर, वो भी बदर के स्वाभी। क्या यार तुम लोग कैसा नबी है यार? यार मैंने तो आपसे उसका पूछा था क्रिश्चियन का। हाँ तो मैं अभी मोहम्मद का बात कर लेना, फिर दूसरे पे भी जाएंगे। पहले ये तो देख ले मोहम्मद क्यों चोर है, चड्डी क्यों चुराई उसने लोगों की। अब उस पर बात करें, चल जाके पहले इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा से पूछ के आ, जा दोनों चीजें पूछ के आए। इमेजिन करें कि बंदा जो है इंजीनियर मिर्जा से पूछ के आया और फिर जब इसको इसकी बहन की एग्जांपल दी तो भाई कहता नहीं नहीं आप तुम माफ नहीं होगे क्योंकि अपनी बहन है, इस वजह से माफ नहीं होंगे। अपनी बहन तो माफ नहीं होंगे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।